फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उस्मा। तो फ्रेंड्स आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ वो है ब्रेड रोल। तो बड़े आसानी से बन जाते हैं। तो देखिए मेरे कुछ आलू हैं जिनको बॉईल कर लिया है और उसको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से, तो देखिए अच्छी तरह हो गया है ये मैश। तो फ्रेंड्स ये मैंने कुछ स्पाइसेस ले लिए हैं। तो ये मैंने लिया है चाट मसाला, तो फ्रेंड्स ये है ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, नमक, ये है काला नमक, मिर्च पाउडर और ये है कश्मीरी मिर्च। तो फ्रेंड्स अब ये मैं इसमें मिक्स करूँगी, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स को अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये सब हो चुका है मिक्स इसमें। तो मैं ये इसमें करूँगी ये अनियन और कोरिएंडर, ये भी इसमें मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए तो पूरा हो गया है रेडी डो मेरा। फ्रेंड्स कुछ लिए हैं मैंने ब्रेड, अब इसके हम सब एजेस काट देंगे। फ्रेश ब्रेड ले रही है मैं। इसके जो एजेस हैं इनका हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। तो हमने इसे डाले हैं मिक्सी में, ग्राइंड करेंगे अब इसको। तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल हो चुके हैं रेडी ब्रेड क्रम्स। तो फिर इसको हम बेलन से थोड़ा सा बेल लेंगे इस तरह से ब्रेड को। इस तरह से पतला कर लेंगे थोड़ा। फ्रेंड्स इसी तरह से हम सारे स्लाइस को बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये स्लरी बना ली कॉर्नफ्लोर की, ये देखिए आप। फ्रेंड्स जो आलू की वो थी पेस्ट, इसको हमने इस तरह से करा और ये ब्रेड पर इस तरह से रखकर जो कॉर्नफ्लोर का पानी है हम इस तरह से मिलाएंगे सारी एजेस पर और इसको, ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। आप देख सकते हैं इस तरह से बना लेंगे हम। बस इसी तरह से हम दूसरा बनाएंगे रोल, देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम बनाएंगे ये रोल। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से हम सारे ब्रेड के रोल बना लेंगे। फ्रेंड्स ऑयल हो चुका है मेरा गर्म, आप देख सकते हैं। तो हल्का से मैंने इसको पानी लगाया है, अब इसको हम ये क्रम्स में मिक्स कर लेंगे इस तरह से, देखिए आप। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मेरी सारी जो ये रोल है सबको इस तरह से ब्रेड क्रम्स में मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड देखिए सब हो चुके हैं रेडी, तो अब हम इसको करेंगे फ्राई। तो देखिए अब हम इसे करेंगे फ्राई। फ्लेम हमने मीडियम रखी है। तो जितने हम आ गए हमारे इस बर्तन में हमने उतने इसमें डाल दिए। तो हम इसे धीरे धीरे
पलट लेंगे। तो खाने बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत आराम से जल्दी बन जाते हैं, सभी को बहुत पसंद भी आएंगे। इफ्तारी में बहुत अच्छे डिश रहती है ये, तो आप ज़रूर इस तरह से ट्राई करें। तो देखिए माशाल्लाह रेडी है हमारा ब्रेड रोल, तो हम इसे ऑयल से आराम से निकाल लेंगे केयरफुली। तो फ्रेंड देखिए माशाल्लाह रेडी है मेरे ब्रेड रोल, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, खाने में उतने ज़्यादा ही टेस्टी होंगे ये। तो अब तैयारी करते हैं चटनी की, तो आज चटनी हरी चटनी, टमाटो सॉस, जिससे चाहें उससे इसको खा सकते हैं, इफ्तारी में वैसे बहुत ही अच्छा लगेगा आपको खाना। फ्रेंड्स मैंने हरा धनिया, 3 हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा काला नमक ऐड करूँगी इसमें। फ्रेंड्स थोड़ा सा टुकड़ा डाल लिया है मैंने प्याज का इस तरह से काट कर। फ्रेंड्स आधा चम्मच डाला है मैंने इसमें ज़ीरा, ये बहुत टेस्टी होगी। और ये देखिए मैंने थोड़े से टुकड़े डाले हैं आइस के यानी बर्फ़ के, अब हम इसको ग्राइंड करें। फ्रेंड्स देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी रेडी हुई है चटनी, तो चटनी में हमने आइस इसलिए डाली थी कि उसका कलर और भी खिलकर आता है, तो आइस हम इसलिए डालते हैं। मज़ेदार चटनी रेडी है, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा हम ब्लैक साल्ट इस पर स्पर्शन करेंगे। देखिए सर अगर आपकी मर्जी हो तो करें, तो क्यों मुझे क्यों। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कहां कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे ये भी ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ मैं फिर कल हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।